नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, उसके एक दिन पहले मैं नवरात्रि के नौ रंगों के बारे में बताऊंगी कि आपको किस दिन कौन सा रंग पहनना है। अगर आपके पास इन रंगों का कलेक्शन है तो आप ज़रूर पहने, और उम्मीद करती हूँ कि सबके पास ये कलर्स ज़रूर होंगे, क्योंकि ये एक नॉर्मली कलर है। और अगर आप इन कलर्स को पहन करके नवरात्रि मनाएंगे तो आपका दिनचर्या अच्छा होगा। साथ ही माँ दुर्गा नवरात्रि के इन नौ दिनों से रिलेट करती है, हर रंगों का अपना एक महत्व होता है, तो आज मैं इन्हीं नौ रंगों को बताऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अलग अलग वीडियोस पे आपको अलग अलग रंगों का महत्व देखने को मिलेगा। कोई नवरात्रि के पहले दिन पीले रंग बताएगा, कोई लाल, लेकिन मैं आपको उन चीज़ों को ही बताऊंगी जो चीज़ पहले से ही गूगल में है, या जो चीज़ों के लिए ज्योतिष बोलते हैं। तो आप अगर किसी दूसरे का वीडियो देखते हैं या आप कुछ और कलर्स को पहनेंगे तो वो मैं नहीं बोलूँगी, पर मैं जो रंगों को बताऊँगी उन रंगों को आपको ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि ये ज्योतिष का बताया हुआ ही कलर है। और आपको ये सभी चीज़ों की जानकारी गूगल पर ऑलरेडी मिलेगी, क्योंकि मैं इन चीज़ों को अपने मन से नहीं बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि का पहला दिन, चाहे चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि का पहला दिन, माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। और शैलपुत्री की पूजा के दिन आपको रॉयल ब्लू कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। अगर आपके पास है तो गाढ़े नीले कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का भी कोई भी वस्त्र है तो आप पहन सकते हैं। ऊपर नीचे पहने ये ज़रूरी नहीं है, आप ऊपर में या नीचे में जैसे भी आपके पास है सुविधा अनुसार आप पहन सकते हैं। और आपको नीले रंग का वस्त्र नवरात्रि के पहले दिन पहनना चाहिए। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है, और माँ ब्रह्मचारिणी आपको पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। इस तरह का हल्दी रंग का पीला रंग है तो भी आप पहन सकते हैं, और आपका आपके कपड़े का कलर हल्का ऑरेंज है फिर भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर पीले रंग का वस्त्र हो तो ज़्यादा अच्छा। इस तरह का पीले रंग का वस्त्र आपको नवरात्रि के दूसरे दिन पहनना चाहिए, चाहे आप उपवास है या नहीं है, चाहे आप एक लड़की है या एक औरत है, आपको दूसरे दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजा होता है, और इस दिन आपको हरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, चाहे वो हरा रंग थोड़ा काई कलर का हो, गाढ़ा हो या फीका हो, पर वो रंग हरा रंग का होना चाहिए। नवरात्रि का चौथा दिन होता है माँ कुष्मांडा का, और इस चौथे दिन पर आपको भूरे रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, जैसा कि मैंने इसे यहाँ ऊपर में पहन रखा है भूरे कलर का। इस तरह का कलर है तो आप पहन सकते हैं, इससे लाइट है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्रि का पाँचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, और इस दिन आपको नारंगी कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। इस तरह से अगर आपका कपड़ा प्रिंटेड है तो भी चल जाएगा, या कोई एक कलर हल्का नारंगी कलर का कपड़ा। नवरात्रि का छठवां दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, और इस दिन आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। तो अगर आप लेडीज़ हैं तो सफ़ेद रंग का तो आप पहन नहीं सकते, तो कुछ भी आप मतलब प्रिंटेड कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। इस तरह से कुछ भी मतलब प्रिंटेड चीज़ है तो आप उन चीज़ों को धारण कर सकते हैं। आप लड़की हैं तो इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, पर अगर आप एक औरत हैं तो वाइट कलर का कुछ भी जो प्रिंटेड चीज़ है आप उसको पहन सकते हैं। नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, और इस दिन आपको गहरे लाल का कपड़ा पहनना चाहिए। इस तरह से गहरा लाल का कुछ भी आप वस्त्र धारण करें तो ये बहुत अच्छा शुभ माना जाएगा। लाल के जगह पर कत्था कलर है, मेहरून कलर है, फिर भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नवरात्रि का आठवां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, और इस दिन आपको स्काई ब्लू कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। कोई भी लाइट ब्लू कलर का हल्के नीले कलर का कपड़ा है तो आप पहन सकते हैं। नवरात्रि का नौवां दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, उस दिन आपको इस तरह से गुलाबी कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। अगर ऐसा गुलाबी कलर नहीं है तो इस तरह से गुलाल कलर का कोई भी गुलाबी कलर का कपड़ा हो तो आप नवरात्रि के आखिरी दिन में पहनेंगे तो माता भी खुश होंगी और आपको अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। और नवरात्रि के नौ दिनों में आपको अलग अलग तरह के कपड़े पहनने ही चाहिए। तो अगर आपके पास इस तरह के कलर्स हैं तो आप उन कपड़ों को नवरात्रि के नौ दिनों में ज़रूर पहनें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे ज़रूर बताएं।